साथियों, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो नो क्लेम बोनस का यूज़ करते वक्त बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं। जब क्लेम आता है उस वक्त में, क्लेम जब रिजेक्ट होता है या क्लेम फंस जाता है, तो उस टाइम पर वो साथी जो है या तो इंश्योरेंस कंपनी को दोष देते हैं या इंश्योरेंस करने वाले व्यक्ति को दोष देते हैं। इस वक्त हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हम गलती कहाँ पर करते हैं। गलती यहाँ होती है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि कभी क्या करते हैं, प्राइवेट गाड़ी का NCB, प्राइवेट गाड़ी जब हम बेचते हैं उसका जो नो क्लेम बोनस होता है उसको हम टैक्सी पे यूज़ करने का काम करते हैं। जब हम प्राइवेट गाड़ी का NCB टैक्सी पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर होता है कैटेगरी का वॉयलेशन। जी हाँ साथियों, कैटेगरी का वॉयलेशन, जैसे कि टू व्हीलर का NCB टू व्हीलर पर चढ़ सकता है, प्राइवेट गाड़ी का NCB प्राइवेट गाड़ी पर चढ़ सकता है, टैक्सी गाड़ी का NCB टैक्सी गाड़ी पर चढ़ सकता है, और बस का NCB बस पे, और ट्रक का NCB ट्रक पे। तो ये जो कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है सबकी, सबके प्रीमियम रेटिंग अलग है, टैरिफ में जो अगर मैं मोटर टैरिफ की बात करूँ तो सबके प्रोविज़न अलग अलग हैं। तो कोई भी NCB एक गाड़ी की कैटेगरी का NCB दूसरी गाड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी दो दिन पहले मेरे पास एक केस आया, एक व्यक्ति ने मर्सिडीज़ गाड़ी सेल करी। अब जब उन्होंने मर्सिडीज़ गाड़ी सेल करी और उस गाड़ी का जो NCB था, उन्होंने बोला कि मुझे नई मर्सिडीज़ पे चढ़ाना है। तो जब हम उस गाड़ी की अंडरराइटिंग करने लगे तो ये तो हमने देख लिया कि पुरानी गाड़ी भी मर्सिडीज़ थी और नई गाड़ी भी मर्सिडीज़ थी, लेकिन जब हमने उसका गाड़ी का नंबर वेरीफाई किया तो जो पुरानी गाड़ी थी वो प्राइवेट गाड़ी थी और जो नई गाड़ी थी वो टैक्सी गाड़ी थी। तो यहाँ पर कैटेगरी का वॉयलेशन हो जाता है। अगर गलती से NCB पंच हो जाता है, पॉलिसी बन भी जाती है, इंश्योरेंस कंपनी से QC में भी निकल जाती है, तो यकीन मानिए क्लेम के टाइम पे अगर ऐसे केस फंस जाते हैं तो क्लेम बिल्कुल रेपुरेट हो जाएगा, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और कोर्ट में जाकर भी किसी तरीके की कोई सुनवाई इस पर नहीं होने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखिए और लगातार बाकी वीडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में।